वेल हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि जो मेरे को अप्रूव्ड लोन अमाउंट बता रहा है वो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल 1,000 रुपये बता रहा है गाइस। तो 1,000 तक का लोन अमाउंट अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से ले सकते हैं। एप्लीकेशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप देखिए कि जो अप्रूव्ड लोन अमाउंट है वो यहाँ पर आपका 1,000 है और प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह 118 रुपये काट ली जाएगी। जो टोटल डिसबर्सल अमाउंट रहेगा वो 882 रुपये रहेगा। टोटल जो आपको पेमेंट करनी है वो करीबन 1,320 रुपये की करनी है और इसमें जो टेन्योर है वो आपको 32 डेज़ का मिलता है गाइस। लेकिन इसमें आप देखिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट देना होता है। ऑनलाइन लोन्स में गाइस आपको हाई इंटरेस्ट ही पे करना होता है क्योंकि एप्लीकेशन आपको इंस्टेंट लोन तो प्रोवाइड करती है लेकिन उसके साथ में आपसे हाई इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। तो आपको लोन अमाउंट तभी लेना है जब आपको बहुत ज़्यादा नीड है और तब आपको लेना है गाइस जब आप लोन की रीपेमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हो तो उसकी रीपेमेंट भी करना होता है गाइस। अभी इस लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको अप्लाई की प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस। आप देखिए सबसे पहले कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएगा। जब आप एप्लीकेशंस को ओपन करोगे तो गेट फ्लेक्सिबल लोन अमाउंट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ परमिशंस आपसे ये लेंगे तो एलो वाले ऑप्शंस पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में अब नीचे आओगे तो एलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करना है, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये सभी डिटेल्स को एक्सेप्ट करके एलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड है गाइस, लाइसेंस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे तो मोबाइल नंबर पूछेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करने हैं। मोबाइल नंबर फिल करके नेक्स्ट करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल करना है और दोबारा से जो है नेक्स्ट करना है। उसके बाद में ऐप में आपको यहाँ पर जो है इस अप्लाई की प्रोसेस मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हो कि गेट योर पर्सनल लोन इन इजी स्टेप्स। तो आपको केवाईसी करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स डालनी है और जो लोन का ऑफर है वो हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपको करनी है। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे इस तरह से पेज आ जाएगा। अभी इसमें देखिए कंप्लीट योर केवाईसी प्रोसेस, फिल योर पर्सनल डिटेल्स और गेट डिसबर्सल, यही प्रोसेस होगी। तो गेट ऑफर पर आपको क्लिक करना है। गेट ऑफर पे क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स लेंगे ये, लाइक अपने पैन कार्ड के नंबर। पैन कार्ड के नंबर एंटर करोगे फिर नेक्स्ट करना है। जो टोटल आपसे स्टेप्स पूछेंगे गाइस वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप प्रोसेस देखिए। जस्ट एप्लीकेशंस के बारे में भी मैं आपको वीडियो में बीच में बता दूंगा गाइस। अभी आप देखिए कि पैन नंबर जैसे ही फिल करोगे तो आपके पैन कार्ड से आपके पैन कार्ड के नंबर, आपका फुल नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि हाँ आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर कुछ डिटेल्स आपकी गलत है या किसी और के पैन कार्ड के नंबर फिल हो चुके हैं फिर नो पे क्लिक करके दोबारा से पैन नंबर एंटर कर सकते हो। ये प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो फिर केवाईसी की प्रोसेस आ जाएगी। केवाईसी प्रोसेस में आप देखिए यहाँ पर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन देखने को मिल रहा है। 5% अभी कम्प्लीट है तो अभी आपको टोटल जो करनी है वो यहाँ पर 100% करनी है। सबसे पहले तो आधार ओटीपी के थ्रू आप इसे वेरीफाई कीजिए या आप इसे डिजी लॉकर के थ्रू भी कर सकते हो। तो इसमें कहीं आपके जो आधार कार्ड है उसमें एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है और वो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा तो ओटीपी को भी आपको एंटर करना होगा। सिंपली व्यू आधार ओटीपी पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आएगा। अभी इसमें आपको अपने आधार कार्ड के नंबर जो है यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। आधार नंबर प्रोवाइड करके नेक्स्ट करोगे, आधार नंबर में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है, फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाओगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। इसमें लोन का पर्पस आपको बताना है, जो भी आपका लोन का पर्पस है। उसके बाद में फिर आपको लोन अमाउंट बताना है कि कितना लोन आपको चाहिए गाइस। लोन आप बताओगे, उसके बाद में जेंडर बताना है गाइस। ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी आपसे कलेक्ट कर ली जाएंगी। आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुका है आधार कार्ड के थ्रू, अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो जेंडर आपको बताना है, फिर आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, फिर आपको जो अपनी हाईएस्ट एजुकेशन बतानी है, एजुकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। अभी इसमें काफ़ी यूज़र्स को दिक्कत होती है गाइस, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है हालांकि लोन मिल जाता है लेकिन अप्रूवल के चांसेस कम होते हैं और कम लोन अमाउंट मिलता है। और सैलरीड एम्प्लॉय में आपको सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट अगर आप प्रोवाइड करते हो और आपकी सैलरी रेगुलर आती है मतलब मंथली, तो उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिल सकते हैं और हाईएस्ट लोन अमाउंट मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी लोन दोनों को मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद में मोड ऑफ पेमेंट आपको सिलेक्ट करना है, ये जो पेमेंट है आपके बैंक में आती है, चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है। उसके बाद में मंथली इनकम आपकी कितनी है,
वो आपको बताना है। जस्ट उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आपको बताना है। उसके बाद में आपकी मंथली इनकम जो आती है तो वो किस डेट को आती है वो आपको दिखाना है। उसके बाद में आपका जो रेसिडेंस है वो आपको बताना है, ओनेड है या फिर रेंटेड है, ये डिटेल्स फिल करोगे। फिर जो एक आपका एड्रेस आ जाएगा तो एड्रेस को आपको कंफर्म करना है। एड्रेस अगर आप यहाँ पर नहीं आता है तो फिल कर सकते हो गाइस, यहाँ पर एड्रेस फिल करना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद में फिर रेफरेंसेस आपको देने हैं, दो रेफरेंसेस पूछ रहे हैं तो दो रेफरेंसेस आप यहाँ पर दीजिए। उसके बाद में देखोगे फिर नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सेल्फी प्रोवाइड करोगे फिर यहाँ पर देखिए कि आपकी बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी है। बैंक डिटेल्स में आपको अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नेम, सारी डिटेल्स फिल करोगे फिर नेक्स्ट करना है। सारी डिटेल्स फिल कर दोगे तो एप्लीकेशन जो है गाइस कुछ टाइम जो है यहाँ पर रिव्यू करेगी और इस तरह से आपको जो लोन अमाउंट है वो देखने को मिल जाएगा। अभी अगर इसी लोन अमाउंट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपग्रेड अमाउंट पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपने बैंक में ले सकते हो। अभी अगर एप्लीकेशन के बारे में आप देखोगे तो राम फिनकॉर्प पर्सनल लोन पे गई थी, यहाँ से आप देख सकते हो कि इजीली आप यहाँ से लोन अमाउंट ले सकते हो। एप्लीकेशन के 10 लाख प्लस यूजर डाउनलोड हैं और 4.2 की रेटिंग है जो कि फिलहाल बढ़िया है गाइस। अबाउट दिस ऐप में जाके आप देख सकते हो, साथ में अगर आपको एप्लीकेशन में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ईमेल अकाउंट वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर रखे हैं तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आप देख लीजिए, इंडिविजुअल विथ मिनिमम मंथली सैलरी जो है आपकी 30,000 होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर मेंशन की हुई है गाइस। ये कुछ डिटेल्स हैं, अगर इनमें आप फिट होते हो, क्राइटेरिया को पूरा करते हो, इजीली आपको लोन दिया जाएगा। 5,000 से 2 लाख तक का लोन ये ऑफर करती है, लेकिन इंटरेस्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है गाइस कि इंटरेस्ट आपसे हाई ही चार्ज किया जाता है। बाकी अगर आपको एप्लीकेशन बढ़िया लगती है तो यहाँ से लोन के लिए ट्राई कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में अदर वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जा सकते हो।